हाँ हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो रियल स्टेट को लेके ही है। इसमें जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि कई लोग ज्योतिषियों की तरह या धार्मिक एंगल से सोच के प्रॉपर्टी को लेते हैं या बेचने का अनुभव शेयर करते हैं कि फलाने बंदे का शुक्र बहुत स्ट्रांग है जी, उसका शनि बहुत स्ट्रांग है, वो जिस प्रॉपर्टी को हाथ डालता है वो प्रॉपर्टी अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेट उसका एप्रिशिएट हो जाता है। तो ये बात मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कोई आदमी, नया आदमी प्रॉपर्टी में हाथ डालता है, पिछले आदमी से ज़्यादा क्या करता है, वो पिछले आदमी से ज़्यादा सेल करने की एफर्ट करता है। जब वो सेल करने की एफर्ट करता है, उसमें प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, उसमें मिट्टी डालता है, जैसे ये आप इसमें फ़ोटो में देख रहे हो, तो मिट्टी डालता है और आसपास की उसमें डेवलप करने की कोशिश करता है और सेल करने की उससे ज़्यादा, पिछले मालिक से ज़्यादा कोशिश करता है, तो ग्राहक आ जाता है। तो ग्राहक प्रॉपर्टी की लुक देख के आना है, ना कि ग्राहक ने कागज़ देख के आना है। कागज़ देखने तो बाद की बात है, जो डॉक्यूमेंटेशन वो तो बाद में देखेंगे कि इसका टाइटल चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन लोगों के दिमाग में शायद ये कहाँ से एक चीज़ घर करी हुई है कि उसका शुक्र बड़ा स्ट्रांग है जी, उसका शनिचर बड़ा स्ट्रांग है जी, वो प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को हाथ डालता है वही सोना बन जाती है। ये 100% सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आदमी चेंज हुआ है उसके एफर्ट्स कितने चेंज हुए पिछले मालिक से लेके, तो यदि पिछला मालिक भी उतने एफर्ट करता, उस तरीके से उसको डेवलप कर देता, तो वो भी ऐसा ही रिजल्ट उसमें से ले लेता। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में राजपुरा जिला पटियाला पंजाब का एक दृश्य इसमें बयान किया था, किताब में लिखा था कि किस तरीके से भट्ठे वाली ज़मीन जिसमें घास खड़ी थी, बूटी, हरी बूटी खड़ी थी और उसमें पानी खड़ा था, उस समय जब मालिक चेंज हुआ, उसने उसमें मिट्टी डाली, रोड वगैरह बनानी शुरू करी, तो वो 400 रुपये वाली प्रॉपर्टी 9000 रुपये गज में लोगों ने बेचनी शुरू की। मैं अपनी किताब में दूसरा चैप्टर जो है इसमें निगलेक्टेड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। निगलेक्टेड प्रॉपर्टी जब किसी आदमी के पास आ जाती है, आदमी का मतलब जो रियल एस्टेट में मास्टर आदमी के पास आ जाती है, तो उसकी वो लुक चेंज कर देता है। हमने मार्केट में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें दीवारों में पीपल के जो पेड़ हैं वो उगे हुए हैं और बुरी तरह से घास है, और देखने में वो, हम उसको, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। दोस्तों, जब आदमी नहा धो के बैठता है, अच्छे तरीके से कपड़े पहन के बैठता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टी वो इस तरीके से पड़ी है, निगलेक्टेड प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। जिस दिन वो प्रॉपर्टी टूट गई, उसकी नई लुक आनी शुरू हो गई और उसमें ब्यूटिफिकेशन करनी हमने शुरू कर दी, तो अपने आप ही आपके ग्राहक जो अपनी तरफ खींचे चले आएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ करनी हो, जब तक उसमें बदलाव नहीं करोगे, लोगों का ध्यान नहीं खींचा जा सकता। तो यही रियल स्टेट में आपको एफर्ट्स ऐड करने के लिए जरूर कहता हूँ। आप उसमें अपने एफर्ट्स ऐड करो और फिर उसका रिजल्ट देखो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और वीडियो अच्छी लगे, आप समझो कि ये आपके दोस्तों के लाइक है, उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। अपना क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मेरे को समझ आ सके कि आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।